मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी विरोधी नीतियों के बारे में पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान जारी किया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए, सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हमें ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसलिए हमने तो पहले से ही यह निर्णय ले लिया है कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का हक और अधिकार मिले, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। हम ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसलिए हमने तो पहले से ही ये निर्णय ले लिया था कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण का हक व अधिकार मिले, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। पंचायत और निकाय चुनाव ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूँ, सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर यह सिद्ध हुआ है कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ कांग्रेस ने पाप किया था। चुनाव तो पहले ही ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जा रहे थे, जिसके कारण ये फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किए, कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, तथ्य जुटाए, व्यापक सर्वे किया और उन तथ्यों के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई, हमने वह रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहा कैसे सर्वे होगा, उसकी रिपोर्ट मांगी। हमने निकायवार रिपोर्ट तैयार की और यह रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। जब हम मॉडिफिकेशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में गए, तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा अब नहीं हो सकता, वो प्रसन्नता मना रहे थे, उन्हें आरक्षण की चिंता नहीं थी, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला किया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए, अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होंगे। हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई, हमने वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहाँ कैसे सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट मांगी। हमने निकायवार भी रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। और जब मॉडिफिकेशन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए, तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं नहीं अब हो थोड़ी सकता है, वो प्रसन्नता मना रहे थे, आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए, अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा।
मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलने के फैसले पर भाजपा में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारी द्वारा ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलने की खुशी में जश्न मनाया गया, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहे। आज मुझे गर्व है हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारे नेतृत्व पर और हमारे ओबीसी कमीशन पर। भारू के नेतृत्व में जो प्रस्तुति दी और पूरा जो अध्ययन करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप, सर्वोच्च न्यायालय के नॉर्म्स के आधार पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रस्तुत किया, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्वीकारोक्ति देकर के कहा कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण देकर के जो नियमानुसार जो आवश्यक है उसको आरक्षण देकर के इसके बाद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करें। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आज मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज मैं अपील करना चाहता हूं सभी कार्यकर्ताओं से कि कांग्रेस के छल कपट और झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है मध्य प्रदेश के अंदर। अब गांव गांव में बूथ बूथ पर उतर के ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कैसे करती है। हमने संकल्प लिया था कि स्थानीय निकाय के चुनाव, ग्रामीण और नगर निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। तो आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका स्वागत करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के फैसले के बाद भाजपा में खुशी की लहर है। फैसला आने के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां उन्होंने ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। ओबीसी आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुशी जाहिर की। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ये सरकार की बड़ी सफलता है। सरकार द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले और आरक्षण के साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव हो। इस पूरे मामले में सरकार ने सभी तथ्यों को रखकर सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाया है। तो हमारी सरकार की बहुत बड़ी जीत, सफलता आज मिली है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज का निर्णय जन भावनाओं के अनुरूप और प्रदेश का जो हमारा ओबीसी समाज है उसके साथ आज बहुत बड़ा न्याय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। हम सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रयास था वो प्रयास था, उस प्रयास में हम लोगों कांग्रेस तो नाटक कर रही थी, पर जिस गंभीरता से सरकार ने प्रयास किया है उस गंभीरता से ये इतना बड़ा निर्णय आया है। महाराष्ट्र में भी नहीं हो पाया, परंतु हमारे राज्य में ओबीसी आरक्षण की अनुमति हम लोगों को मिल गई है। ये बहुत बड़ी सफलता आज सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज को बहुत बधाई देता हूं। सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर आए फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने बयान देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिलेगा, इसलिए सरकार को एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलवाकर संशोधन प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए और प्रदेश के साथ देश भर में ओबीसी वर्ग को कानून बनाकर 27% आरक्षण देना चाहिए। तो जो हालात आज पैदा हुए हैं और जो आज ये चुनाव की स्थिति पैदा हुई है, कांग्रेस पार्टी की मंशा बड़ी स्पष्ट थी। जिस दिन से ओबीसी का आरक्षण छीनने की बात आई थी, माननीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके और बड़ा स्पष्ट बोल दिया था कि हम पार्टी के अंदर इंटरनल 27% से ज़्यादा आरक्षण देने की व्यवस्था करेंगे और उसके तहत ही चुनाव हम कराएंगे। और आज भी कटिबद्ध हैं, आज भी कमलनाथ जी कटिबद्ध हैं। आज भी उन्होंने बोला है कि जो भी 50% कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है 50% के अंदर ही रह के चुनाव कराना है। अब उसमें एससी एसटी और ओबीसी को कैसे सेट करेंगे, क्योंकि पहले से सबके आरक्षण हैं, और ओबीसी को कैसे सेट करेंगे, कितने परसेंट मिलेगा, ये सारी चीज़ें अभी भी संशय का विषय है। पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ओबीसी वर्ग के लिए
हिमायती है और ओबीसी वर्ग के लिए चाहे वो नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया हो और चाहे पंचायती और नगरीय निकाय चुनाव में जो अभी आएगा इनमें भी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी अक्षरशः पालन करेगी और हमेशा से एससी एसटी ओबीसी के वर्ग के लिए और हम तो कहते हैं सभी वर्गों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जैसा कि संविधान में व्यवस्था है उसके अनुरूप हमारे नेताओं ने काम किया है और आगे भी करेंगे। अब ये भाजपा को तय करना है कि उनको संवैधानिक दर्जा अगर देना है तो हमने एक लाइन हमने बात कही थी कि विधानसभा सत्र बुलाओ, तुम्हारी नियत में अगर खोट नहीं है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए और विशेष सत्र बुला के एक लाइन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजिए कि 27% का आरक्षण जैसे आपने सामान्य वर्ग के लिए 10% किया है, एससी एसटी के लिए पहले से संविधान में प्रदत्त है, वैसे ही ओबीसी का भी भारत सरकार से आप संविधान में संशोधन करा के व्यवस्था बना दीजिए तो कभी किसी को कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।